नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और लीजिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ टीवी की दुनिया का ताजा हालचाल के साथ। और अगर आप भी जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो देखिए बॉलीवुड गपशप की खास पेशकश सीरियल स्पेशल। देखिए कॉन्फिडेंस भी ना बहुत कमाल की चीज है। जब अपने आप पर आत्मविश्वास रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही अपने आप पर डाउट करने लगते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल अनुपमा में। अभी तक तो पाखी काव्या को साक्षात देवी मान रही थी, लेकिन जब देवी ने ऐन मौके पर धोखा दे दिया तो अपनी माँ ही काम आई। पॉपुलर टीवी शो अनुपमा की कहानी दिन पर दिन और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अनुपमा में डांस कंपटीशन का ट्रैक दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। अब पिछले एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि काव्या की बातों में आकर पाखी अनुपमा का अपना डांस देखने से मना कर देती है, और जब डांस के लिए पाखी का नाम अनाउंस किया जाता है तब काव्या उसे छोड़कर चली जाती है। अपने डांस परफॉर्मेंस के बाद अनुपमा घर जाने की सोचती है, लेकिन वो पाखी का डांस देखने के लिए वहां रुक जाती है, क्योंकि माँ का दिल तो आखिर कोमल ही होता है। अनुपमा का आने वाला एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अंत में पाखी और अनुपमा एक हो जाएंगे। खैर ये तो होना ही था। अब यहाँ दोनों माँ और बेटी का डांस परफॉर्मेंस काव्या की बोलती बंद कर देता है। वो कहते हैं ना कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और अनुपमा तो वैसे भी पाखी की माँ है। काव्या के जाने के बाद पाखी के पास अनुपमा की मदद लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। माँ बेटी की जोड़ी जब अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उड़े तेरी आंखों वाले पर डांस पर करके अनुपमा और पाखी लोगों का दिल जीत लेती है। और इसी बीच एंट्री होती है विलन की, अरे मतलब काव्या की। काव्या वापस आ जाती है और दोनों का डांस देख कर वो हैरान हो जाती है। दोनों को वापस एक साथ देख कर काव्या बुरी तरह जल जाती है। कोई बात नहीं काव्या, आप खुद को पिंच करके देख लीजिए, ये खुली आंखों का सपना नहीं बल्कि ये सच है। यहाँ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस से माँ बेटी की जोड़ी स्टेज पर आग लगा देती है। अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से दोनों ये डांस कंपटीशन जीत भी लेते हैं। जब अनुपमा और पाखी को ट्रॉफी लेने के लिए बुलाया जाता है तब काव्या भी आ जाती है। अपने बेशर्मी की हद पार करते हुए वो ट्रॉफी पर अपना हक जमाने लगती है। उफ, ये काव्या भी ना सच में कभी नहीं सुधरने वाली है। खैर हाल ही में स्टार प्लस के रिलीज किए गए प्रोमो में ये देखा गया कि अनुपमा अपने डांस एकेडमी के बाहर खड़ी रहती है और वो 20 लाख के इनकम टैक्स की वजह से परेशान होती है। आगे ये दिखाया गया है कि वो अपने घुंघरू उठाती है और वहां से चली जाती है। अब आज का सवाल ये है कि क्या अनुपमा को अपना डांस एकेडमी बंद करना पड़ेगा, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर आपको क्या लगता है, आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, यहाँ प्यार में गुम होने की चाह तो रखते थे हमारे विराट, लेकिन उनके तो सपने तहस नहस हो गए। वो क्या है ना, वो गए तो थे हनीमून पर दोनों, और विराट अपनी सई को सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन यहाँ तो सई ने विराट के अरमानों पर पानी ही फेर दिया। सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में खूब धमाल मचने वाला है। जी हाँ, क्योंकि सीरियल के करंट ट्रैक में विराट के भाई सम्राट की एंट्री हो चुकी है। सई और विराट हनीमून मनाने घर से दूर एक हिल स्टेशन पर है, और यहीं से सीरियल की कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। गुम है किसी के प्यार में अभी तक ये दिखाया जा चुका है कि सई और विराट के बीच पाखी की बात को लेकर बहस हो जाती है, लेकिन विराट ऐन मौके पर सारी बात संभाल लेता है। लेकिन भाई ये सीरियल की नगरी है, इतनी आसानी से यहाँ सब कुछ ठीक कैसे हो सकता भला। अब आने वाले दिनों में इस सीरियल में एक और नया मोड़ आने वाला है। गुम है किसी के प्यार में फिलहाल तो विराट और सई अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, वहीं इस जश्न में सनी और मोहित भी शामिल हैं। सई और विराट एक दूसरे से वादा करेंगे कि वो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। सई और विराट ऐसी बूढ़ी औरत से टकराने वाले हैं जिसके जरिए उन्हें सम्राट का असली सच पता चलेगा, और ये बूढ़ी औरत सम्राट के साथ ही रहती है, और जल्द ही वो सई और विराट के
छोटे सम्राट विराट की मुलाकात करवाने वाली है। बीते महीनों में सम्राट कहाँ था, क्या कर रहा था, ये तो किसी को कुछ नहीं मालूम है। ऐसे में बूढ़ी औरत की एंट्री से सई और विराट का एक बड़ा राज खुलेगा। और इधर पाखी भी जल्द ही सई और विराट का पीछा करते करते हिल स्टेशन पहुंच जाएगी, क्योंकि पाखी को शक हो जाएगा कि विराट सई को किसी ऑफिशियल ट्रिप पर नहीं ले गया है। आने वाले दिनों में इस सीरियल में नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुझे तो सीरियल्स के टाइटल ट्रैक सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कितना प्यारा है ना ये टाइटल ट्रैक। देखिए, वैसे तो इस शो में ड्रामा है भरपूर, और वो सीरियल ही कैसा जिसमें ड्रामा ना हो, ये तो फिर वही बात हो गई ना। वही कहावत है ना कि खटाई बिना चटनी कैसे बनी। खैर, अब यहाँ तमाशे का कौन सा जायका लग रहा है, चलिए चलकर देखते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है में सीरत एक बार फिर से दुविधा में पड़ गई है। वो नहीं जानती कि अपने दिल की बात मानकर कार्तिक के साथ जाना है या सिमरन बनकर वहीं पर रहना है। भाई, ये तो सच में बहुत बड़ी दुविधा है। वहीं कार्तिक उसे बताता है कि वो उसके परिवार को अपने जैसा मानती थी और उसे उनके लिए वहां वापस लौटना चाहिए। फिर इसी बीच एक नया ट्विस्ट आता है, और इसी बीच एक शख्स है जो सीरत का पीछा करता था। उसने उनसे कहा यहाँ तक कि वो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराएगी, लेकिन वो उसका असली नाम कहकर उसे चौंका देता है और इससे ये भी कहता है कि वो जानता है उसने अपने ही पति की हत्या कर दी है। ये तो सच में सीरत के लिए चिंता की बात है भाई। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कार्तिक सीरत को लिए बिना वापस जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन अब सीरत उसका पीछा करती है। भाई, चल क्या रहा है यहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या कार्तिक सीरत को घर लेकर वापस जाएगा, बताइए बताइए। चलिए, हम आपके जवाब का इंतजार करते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए, हमें पता है कि आपको है किसका इंतजार। हमारी अगली पेशकश जो है एकदम खास। जी हाँ, बिल्कुल आपकी तरह खास। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। सीरियल इमली में मालिनी का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। वैसे एक्सपेक्टेड भी है उनसे। अपनी माँ को कठपुतली बनाकर मालिनी अपना हक पाना चाहती है। अब सुसाइड का नाटक करके मालिनी त्रिपाठी हाउस में फिर से एंट्री मार चुकी है। मालिनी धीरे धीरे इमली और आदित्य के बीच में आने की कोशिश कर रही है, और उनकी हर एक चाल कामयाब भी हो रही है। खैर, आप चिंता मत कीजिए, हीरो को हीरोइन से कौन दूर कर सकता है भला। सीरियल के डायरेक्टर भी नहीं कर सकते वो तो। अब इमली के पिछले एपिसोड में ये दिखाया गया था कि मालिनी इमली से झूठ बोलकर खुद आदित्य के साथ बाइक पर बैठकर कॉलेज से घर जाती है, और इमली मालिनी का झूठ जानते ही परेशान हो जाती है। अब इमली के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इमली आदित्य से कहेगी कि मालिनी आज भी उससे उतना ही प्यार करती है, और आदित्य इमली को समझाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और मालिनी ने खुद को अपने मुंह से ये बात कही है। भाई, बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ तो। खैर, इमली मालिनी से खुद बात करने की कोशिश करेगी, इमली मालिनी से सच बुलवाने की पूरी कोशिश करेगी, और मालिनी इमोशनल होकर सब कुछ बताना भी चाहेगी, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि वो अपने मन की बात इमली तक नहीं पहुंचा पाएगी। अरे भैया, यहाँ चल क्या रहा है आखिर। खैर, आने वाले दिनों में इमली को समझ आ जाएगा कि मालिनी आदित्य से अलग होना चाहती है। ऐसे में वो खुद ही त्रिपाठी हाउस छोड़ने का मन बना लेगी। आदित्य के लाख समझाने पर भी इमली खुद उससे सारे रिश्ते खत्म करने की बात करेगी, और इमली का फैसला आदित्य को पूरी तरह से तोड़ देगा, और मालिनी को सब मिल जाएगा जिसका वो ख्वाब देख रही थी। अब देखना होगा कि क्या समय रहते मालिनी सच से सामना करके इमली को उसका हक दे देगी, या फिर लालच में आकर वो इमली की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। तो यही है आज का सबसे बड़ा सवाल।
मीडिया का ताजा अपडेट। अब चलिए बॉलीवुड गपशप में माया नगरी से बॉलीवुड की हर चटपटी और मसालेदार खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। सोशल स्क्रीन पर एक तरफ बॉलीवुड की देसी गर्ल और दूसरी तरफ बॉलीवुड की शीला, और अगर साथ में हो बद्रीनाथ की दुल्हनिया, भाई फिर तो क्या ही कहना। अब जब इन तीनों को एक साथ स्क्रीन पर सोच कर ही इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो जरा सोचिए अगर रियल में ऐसा हुआ तो कितना अमेजिंग होगा। वैसे आपको बता दूं कि सच में ये होने वाला है, और वो भी बहुत ही जल्द। जी हाँ, सही सुना आपने। चलिए आपकी एक्साइटमेंट खत्म करते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी टाइम से मल्टी स्टार फिल्मों का दबदबा रहा है, लेकिन इनमें से कई सारी मल्टी स्टार फिल्में मेल सेंट्रिक रही हैं, लेकिन बेहद कम ही ऐसी फिल्में हैं जो वुमेन सेंट्रिक रही हैं। लेकिन अब ये चलन बदल रहा है। जी हाँ, कंटेंट की क्वालिटी बढ़ जाने के बाद से अब फिल्मों में एक्ट्रेसेस को भी अच्छे रोल्स मिल रहे हैं। अब प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ एक फिल्म में काम करती नजर आएंगी। प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, और इन तीनों की ही फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि तीनों एक्ट्रेस अब एक साथ एक फिल्म में काम करती नजर आने वाली हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर करके इस नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी शेयर की हैं। वैसे आपको बता दें कि ये फिल्म एक रोड ट्रिप पर बेस्ड होगी, और इसको डायरेक्ट फरहान अख्तर की एक्सल एंटरटेनमेंट के बैनर तले होगा। साल 2019 में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई में इस बात का फैसला किया कि वो एक हिंदी फिल्म करना चाहती हैं, लेकिन वो फिल्म सही होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए और थोड़ी कूल होनी चाहिए। वो फिल्म ऐसी होनी चाहिए जैसी कभी भी ना बनी हो। मेरे दिमाग में ये आया, क्यों ना एक ऐसी फिल्म हो जिसमें सारी लीड एक्ट्रेसेस हों। बहुत ही कम ऐसी फिल्में हैं जो फीमेल मल्टी स्टारर है। और इसके बाद मैं अपने दो सबसे करीबी दोस्तों को कॉल लगाई और इस बारे में मैंने उनसे बात की। मेरा आइडिया था कि इस फिल्म में तीन गर्लफ्रेंड्स होंगी जो फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करेंगी। बता दें कि फरवरी 2020 में लॉकडाउन लगने से पहले मैं, आलिया और कटरीना मिले थे, और हमने डिस्कस किया था कि इस आइडिया को स्क्रीन पर उतारने के लिए हमें किसे पसंद करना चाहिए। और फिर हमारे दिमाग में आया फरहान, जोया और रीमा का नाम। हम तीनों ने पर्सनली भी इनके साथ काम किया हुआ है, और इसलिए हमें ये अच्छे लगते हैं। और उसी समय फरहान भी एक ऐसी फिल्म में काम कर रहे थे जो कि रोड ट्रिप पर बेस्ड थी। अब यहीं से संयोग बैठा और आज हम आपके सामने हैं हैशटैग जीले जरा के साथ। बता दें कि तीनों एक्ट्रेस को अपने सभी पेंडिंग काम खत्म करके इस फिल्म में साथ आने के लिए अब समय मिल गया है। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका ने कहा कि ये फिल्म स्पेशली सिस्टरहुड के लिए है, ये सच्ची दोस्ती के लिए है। मैं, अल्लू और कैटी एक साथ ट्रिप पर जाने का अब इंतजार नहीं कर सकते। मेरा दिल मुस्कुरा रहा है, जल्द ही आप सभी से मूवी में मुलाकात होगी। तुले आदे मैंने गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके। आयनंद, आपके जहन में बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस जैकलीन का नाम। वो क्या है ना, आज जैकलीन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तो चलिए जैक के स्पेशल डे पर आपके लिए पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस कम समय में ही बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली। जैकलीन फर्नांडिस 11 अगस्त यानी कि आज अपना जन्मदिन मनाती हैं। मिस यूनिवर्स श्रीलंका रह चुकी जैकलीन फिल्मों में आने से पहले बतौर टीवी रिपोर्टर काम करती थी, और जैक ने सिडनी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी की है। वैसे जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 को बहरीन में हुआ था, और साल 2006 में जैकलीन में श्रीलंका यूनिवर्स बनी थी। वैसे तो जैकलीन ने बॉलीवुड में कदम 2009 में रखा था, और बचपन से ही जैकलीन का इंटरेस्ट एक्टिंग और फिल्मों की ओर था। बहरीन में उन्होंने केवल 14 साल की उम्र में एक प्रोग्राम को होस्ट किया था। साथ ही इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, और सोचती थी कि किसी दिन
वो मूवी स्टार होंगी। फिल्मों में आने के इंटरेस्ट को देखते हुए जैकलीन ने जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग में कुछ टाइम तक ट्रेनिंग भी ली थी। जैकलीन ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास कम्युनिकेशन में की और पढ़ाई खत्म करने के बाद जैकलीन श्रीलंका में बतौर टीवी रिपोर्टर काम करने लगी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत कर दी और साल 2009 में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के सिलसिले में वो इंडिया पहुंची। यहां पहुंचने पर जैकलीन ने निर्देशक सुजॉय घोष की फैंटेसी ड्रामा अलादीन के लिए ऑडिशन दिया और वो सेलेक्ट हो गई और जैक की ये पहली फिल्म थी। फिल्म में जैकलीन के अपोजिट रितेश देशमुख थे जबकि अमिताभ बच्चन की भी अहम भूमिका थी। बॉलीवुड में काम करने के लिए जैकलीन ने सबसे पहले हिंदी सीखा और इसके अलावा उन्हें स्पैनिश, फ्रेंच और अरबी भाषा भी आती है। अगर जैकलीन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो बहरीन के प्रिंस हसन बिन रशीद अली खलीफा को डेट करती थी। हसन से उनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी, लेकिन जब जैकलीन को फिल्म हाउसफुल 2 मिली तो उनका ये रिश्ता टूट गया और उनके रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजह डायरेक्टर साजिद खान थे। जैकलीन की पहली हिट फिल्म मर्डर 2 रही और इसके बाद इंडस्ट्री में उन्हें पहचान मिली और मर्डर 2 की सफलता के बाद अगले ही साल जैकलीन की हाउसफुल 2 और रेस 3 आई। इसके अलावा जैकलीन 2014 में किक फिल्म में सलमान खान के साथ नजर आई थी और कहा यह भी जाता है कि फिल्म किक की सफलता के बाद सलमान खान ने उन्हें बांद्रा में 3 BHK फ्लैट गिफ्ट किया था। फिल्मी करियर के अलावा जैकलीन टीवी रियलिटी शो झलक दिखलाजा में 9वें सीजन में जज बनकर आई थी और बता दें कि इसके अलावा जैकलीन इन दिनों म्यूजिक एल्बम में भी काम कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें बड़े से बड़ा सुपरस्टार प्यार से बुलाते हैं अन्ना। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम बलवान सुनील शेट्टी की और ये सबसे खास बात है कि आज सुनील शेट्टी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाने वाले सुनील शेट्टी आज 58 साल के हो गए हैं। वैसे तो सुनील शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म बलवान से की थी, जिसके बाद सुनील एक जबरदस्त एक्शन हीरो बनकर उभरे थे। 90 के दशक से लेकर आप अब तक कई हिट फिल्में में काम कर चुके हैं और इसी की बदौलत वो आज भी बॉलीवुड में दमदार एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। वो भी एक वक्त था जब बॉलीवुड में एक्टर सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की जोड़ी पर परचम लहराया करती थी। दोनों एक साथ दर्जन भर से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और इनमें कई फिल्म सुपर हिट भी रही थी। इनमें फिल्म मोहरा, हेरा फेरी, धड़कन, दीवाने हुए पागल ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें अक्षय के साथ सुनील शेट्टी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सुनील शेट्टी ने अक्षय की शक्ल न देखने का कसम खा लिया था। वैसे तो सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार ने लगभग एक साथ ही अपने करियर शुरुआत किया था। दोनों इंडस्ट्री में एक्शन हीरो के तौर पर पहचाने जाते थे और इसी दौरान अक्षय और सुनील शेट्टी की काफी दोस्ती भी हुआ करती थी। 1994 में आई फिल्म मोहरा जबरदस्त हिट हुई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद दोनों को कई फिल्मों में एक साथ देखा गया। वहीं साल 2000 में सुनील शेट्टी ने अक्षय कुमार के साथ हेरा फेरी फिल्म की और इस फिल्म में परेश रावल भी अहम भूमिका में थे और इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। लेकिन शूटिंग के दौरान ही दोनों में तनाव की खबरें सामने आने लगी थी। सुनील शेट्टी को पता चला कि अक्षय ने उनके सीन कटवा दिए हैं। खबरें तो ये भी थी कि सुनील ने इसके बाद उनकी शक्ल तक देखने से इनकार कर दिया था और बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।